महानगर के अंदर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बृहस्पतिवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में दोपहर 1 बजे DIG SSP जोगेंद्र कुमार महानगर के संभ्रांत व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और IMA सहित नगर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों से रूबरू होते हुए शहर में जाम से निजात दिलाने के संबंध में उनसे सुझाव मांगेंगे। इस संबंध में DIG SSP जोगेंद्र कुमार ने बताया कि कल आम जनमानस के साथ एक प्रारंभिक मीटिंग की जाएगी। कल से 10 दिन का लगातार अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पब्लिक से शहर के अंदर जाम लगने की समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। महानगर के अंदर ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है, ऐसे में पुलिस विभाग अभियान चलाकर नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य लोगों के सहयोग से शहर को जाम से मुक्त कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIG SSP जोगेंद्र कुमार ने कहा, देखिए हम लोग कल एक प्रारंभिक मीटिंग करेंगे। इसमें जो हमारे पब्लिक है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जनरली रहती है, ट्रैफिक गोरखपुर एक महानगर है और यहाँ ट्रैफिक की समस्या रहती है, इसमें नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने पुलिस, विशेष रूप से पुलिस विभाग ने एक अभियान चलाया है AD साहब के निर्देशन में, कि हम लोग कल से 10 दिन के लिए एक अभियान चलाएँ और पब्लिक से पहले सुझाव मांगें कि पब्लिक हमें बताए कि किस तरह की समस्याएँ हैं। जनरली पार्किंग की, ठेलों की और गाड़ियों की समस्या रोड्स पे रहती है, जिसके वजह से भी जाम लगता है और अल्टीमेट ट्रैफिक पुलिस को कहा जाता है कि पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सत्यता उसके जड़ में कुछ और होती है। तो पब्लिक से हम लोग समस्याएं एक बार जानना चाह रहे हैं कि सिटी में पार्किंग को लेकर के क्या क्या समस्या है और क्या क्या उसका सुझाव दे सकते हैं वो लोग, कि किस तरह से कि कहीं हमें सिंगल वे करना है, कहीं हमें पार्किंग की व्यवस्था करानी है, कहीं ठेलों को हटवाना है, उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी है, क्योंकि ठेले वालों को भी भगा नहीं सकते, तो उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था हम जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सुझाव मांग रहे हैं फर्स्ट टाइम। पब्लिक को भी हमने आमंत्रित किया है कल, जो हमारे उद्योग व्यापार मंडल है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, IMA है और अन्य इस तरह के सभी संगठनों से हम लोग बात करेंगे, उनसे सुझाव मांगेंगे कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है और फिर उसको हम पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से उसको इम्प्लीमेंट कराने की ट्राई करेंगे, ताकि गोरखपुर को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाया जा सके। थैंक यू।